आप लोगों तक पहुंच गए और विसर्जन की तैयारी आपकी हो चुकी है, और किस तरह से गणपति बप्पा को एक आदर सम्मान के साथ विसर्जन के लिए लेकर चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मुंबई के माननीय अध्यक्ष आमदार श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा मुंबई ने एक नई पहल रखी है जिसका नाम है विसर्जन आपल्या दारी, यानी विसर्जन अपने दरवाजे तक। इसमें मूल उद्देश्य हमारा ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक मुंबई में रहते हैं, जिनके बच्चे विदेश में काम करते हैं और वो अकेले रहते हैं, और उनको हिंदू रीति रिवाज के साथ में गणेश जी का आगमन और विसर्जन अपने घर से करना है, लेकिन विसर्जन करने में उन्हें बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे ही हमारे दिव्यांग भाई बहन जो मुंबई में रहते हैं अकेले, उनको मदद करने हेतु ये उपक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा समस्त मुंबई में किया जा रहा है, सभी 36 विधानसभाओं में। और इसका उद्देश्य ये है कि हम युवाओं ने ऐसी 36 गणेश विसर्जन रथ बनाए हैं जिसमें एक आर्टिफिशियल पॉन्ड ऑन व्हील्स आप कह सकते हैं, वह लेकर हेल्पलाइन नंबर द्वारा लोगों तक संपर्क किया। हमने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में सोसाइटीज़ के स्लम्स तक पहुँचे और हमने एक डेटा बनाया है कि कहाँ कहाँ आज हमें विसर्जन के लिए जाना है, तो सभी को टाइम टेबल देते हुए हम ये विसर्जन रथ उनके दरवाजे तक लेके जाएंगे और गणेश जी के एक रीति रिवाजों के साथ में विसर्जन करेंगे। हमारे साथ में पंडित जी भी हैं रथ में और आरती बजते रहेगी और पूरे रीति रिवाजों के साथ में ये विसर्जन होगा। आपका नाम जानना चाहूंगी। जब मेरा नाम है सतीश जोशी। सतीश जी, का जिस प्रकार से गणपति बप्पा की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है भक्ति के साथ और लोग उनका विसर्जन करने बीच पे जाया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी है और जिस प्रकार से इन्होंने एक अच्छा संकल्प लिया है, एक अच्छी पहल की है, तो किस प्रकार यहाँ पूजा अर्चना आप कर रहे हैं? देखिए, अभी इनके तरफ से जो हमने जो पूजा पाठ गणपति विसर्जन करने का एक नया प्रोग्राम किया है और ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। हम अपने अपने एरिया में जाके अपने अपने घर के सोसाइटी के अंदर आके आपको ये गणपति विसर्जन करने का ये प्रोग्राम नया ये प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें कोई हम जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति के अनुसार ही जो पूजा पाठ वगैरह होके यहाँ पे विसर्जन होता है। और दूसरी जो चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रत्यक्ष गणेश जी का जो विसर्जन का जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी भी हम आपको दे देते हैं। और एक प्रकार से बहुत ही अच्छा सुविधा है, जो लोगों को बाहर जाके जो विसर्जन करना पड़ता था या तो बहुत भीड़ वगैरह होती है, समुद्र में जाके वो विसर्जन करते थे, उसके अलावा आपके सोसाइटी के बाहर हम आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी सुविधा ये लोग ने किया है, बहुत ही अच्छा सुविधा किया है। मेरा नाम गौतम वर्मा है। मेरे घर में 1.5 दिन के गणपति थे और हम बीजेपी की तरफ से गोपाल शेट्टी और तेजिंदर भाई की तरफ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि आपके घर से ही हम गणपति का विसर्जन करेंगे, तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव लगा मुझे, तो मैंने अपने 1.5 दिन के गणपति अपने इस कृत्रिम तालाब में घर के बाहर जो आके लेके जाते हैं उसमें शुरू किए। गणपति विसर्जन आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन आज जो आपने नए कॉन्सेप्ट से आपने गणपति विसर्जन किया है, ये कितना अच्छा लगा जो इन लोगों ने एक नई शुरुआत है, पहली बार ऐसा आपने करके? अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा, काफ़ी सेफ है, बीमारी की वजह से काफ़ी सेफ है और भीड़ भाड़ नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगा। था मुझे व्हाट्सअप आया था कि आपके यदि घर में गणपति है तो हमारे बीजेपी की तरफ से हम लोग लेने आएंगे घर पे और वहीं पे हम विसर्जन करेंगे, तो मैंने उनको तेजिंदर भाई को कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि हम इतने बजे आएंगे, तो हमने उसी हिसाब से पूरी तैयारी करी। तो आज जो पापा के विसर्जन एकदम खुश है आप? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि बीमारी के काल में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी और भीड़ भाड़ नहीं हो। और आज जो गणपति विसर्जन किया गया है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एनवायरनमेंट के लिए। हमें ऐसे स्टेप्स लेके, इको फ्रेंडली स्टेप्स लेके, हमारा जो आसपास अभी जैसे भी माहौल चालू है, हमें ऐसे स्टेप्स लेके सेफ्टी की ये करना चाहिए और इसी से हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी थी पहले से कि इस तरह से भाजपा द्वारा ये जो रथ निकाली गई, इस रथ से गणपति विसर्जन किया जा रहा है? नहीं, हम एक्चुअली लिंक रोड की तरफ निकले थे, वहाँ पे भी एक इको फ्रेंडली लेक है, लेकिन जैसे ही हम लोग ने ये देखा, हम लोग ने बोला ये भी और ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और हमें खुशी हुई, तो हम लोग ने तुरंत यहाँ पे विसर्जन किया।